हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि आने वाले एक साल में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाले हैं, कहाँ आप रहोगे, क्या चेंजेस होंगी आने वाले एक साल में और क्या बदलाव हो सकते हैं। क्या आप जहाँ हो वहीं रहोगे या फिर कुछ स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है? हो सकता है कोई पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, वो बार बार रिपीटेशन हो सकता है आपके लाइफ में, जिस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसे मन में हमारे कई सवाल रहते हैं जिसका आंसर समय नहीं मिलता, तो इसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वन ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है। इसका मतलब आने वाले एक साल में क्या बदलाव होने वाले हैं आपके ज़िंदगी में। तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैंने दो पाइल्स में रखी है, मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते होंगे आपके सामने दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है हैप्पीनेस का कार्ड, तो अगर आपको ये वाला कार्ड पसंद आ रहा है तो आप इस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। और पाइल टू के लिए मैंने रखा है फ्रेंडशिप। ऑलराइट, अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कलर्स चूज कर सकते हैं, या तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं या फिर ये प्यारा सा आप इसे पिंक कह सकते हैं, मुझे लैवेंडर लग रहा है, तो आप इसे जो कलर भी माने आप उसे मान सकते हैं। आप कार्ड को कलर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जो साइन और एलिमेंट आएंगे अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग के सिचुएशन को डेफिनेटली सुनने की कोशिश करें। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो उसका जो आंसर आएगा, यूनिवर्स जो आपको आंसर देना चाहती है, आप उस हिसाब से आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ऑलराइट, ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूले। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर वन हैप्पीनेस से और देखते हैं कि क्या होने वाला है एक साल बाद आपके साथ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये हैप्पीनेस का कार्ड तो चलिए देखते हैं कि एक साल बाद आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम मेजर आर्काना कार्ड से निकालेंगे कि क्या बदलाव हम देख सकते हैं, उसके बाद हम कुछ कार्ड्स टैरो से निकालेंगे और फिर हम करेंगे अपनी रीडिंग को स्टार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स सी। वी हैव द जस्टिस कार्ड, ओके। We have the devil card, pile one. Okay. We have hanged man. Okay. पहले मैं कुछ cards निकालना चाहूंगी friends, फिर मैं reading को start करूंगी। alright. Okay. We have five of cups. Right, we have the fool card. Okay, we have seven of pentacles. We have the empress. Okay. We have eight of cups. Okay, ये card खुद से आ गया। We have nine of cups. We have five of swords. We have ten of pentacles. We have six of pentacles. And we have the justice card again. Libra की energy यहाँ पे बहुत ज़्यादा strong है। यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं या फिर आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, साइन और एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो लीब्रा की एनर्जी जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है
वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाय हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी हो सकती है। ऑलराइट, तो वैसे तो मैं ये जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ, तो अगर आपसे सिचुएशन रिजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या कहना चाहती है ये कार्ड्स और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट सिचुएशन की, तो मुझे आपके प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं ये मैसेज किन लोगों के लिए है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप मैरिड हो, तो कुछ लोग की मैरिज जो है वो डेफिनेटली अभी एंड हुई है, या फिर लास्ट एक से डेढ़ साल में आपकी मैरिज जो है वो अच्छी नहीं चली है, और आप जिस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है, आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम तो है, या तो वो आपको नहीं समझ पा रहे, आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, एक डिसबैलेंस की सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन में। मे बी आपके इन-लॉज आपको पसंद नहीं करते, या फिर सिचुएशन उल्टी हो सकती है, या वो लोग आपके हस्बैंड को पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ इश्यू तो है जो आपके मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी जो है सेपरेटेड हो चुके हो इस करंट सिचुएशन में। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपने जब ये शादी करी होगी, मुझे क्योंकि लग रहा है कुछ लोग काफ़ी टाइम से मैरिड है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी शादी को 5 से 6 साल, कुछ लोगों के लिए 8 साल भी मुझे लग रहा है, कोई 10 साल भी हो सकता है। तो अगर आप इतने लंबे जर्नी में किसी के साथ रहे हो और अगर आपकी मैरिज अभी एंड हुई है या फिर एंड के कगार पे है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है कि आपकी और आपके पर्सन की जो एनर्जीज है, जो बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पा रही है। हो सकता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, ये लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स एंड कलीग्स हो सकते हैं, आसपास के नेबर्स हो सकते हैं, कोई तो है और कोई नहीं, मुझे तो कई लोग लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को जो है बैलेंस करके नहीं दे रहे हैं, या आप दोनों के बीच के अंदर की लड़ाई भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। अगर मैं आपके वर्क पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंट सिचुएशन में कि वर्क भी जो है आपका कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा था। आप लास्ट 5 से 7 साल हो चुके हैं, आप अपने करियर में अगर स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा है नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही। अगर आपको जॉब मिल रही है तो वर्क शेड्यूल आपको टाइमिंग सही नहीं लग रहा है, अगर पैसे सही मिल रहे हैं तो कभी आपको ऑफ ड्यूटी भी जाकर काम करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस प्लस वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है। हो सकता है छुट्टियों को लेकर प्रॉब्लम हो, या फिर आप अच्छे से सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने सैलरी से सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर आपको इंसेंटिव को लेकर प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ आपके वर्क एरिया में भी जो है, मुझे खास प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही कि आप बहुत खुश हो, या तो आप ऑफिस के टाइमिंग से खुश नहीं हो, या फिर उसके सिस्टम से खुश नहीं हो, या फिर आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेज मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे एक और मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी के साथ शादी में नहीं हो, अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो ये रिश्ता भी जो है काफ़ी ऑन एंड ऑफ है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन कभी आते हैं आपके साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग आप इस पर्सन के साथ फील करना चाहते हो, बट चीज़ें जो है ना आपके अकॉर्डिंग चलती है, ना इस पर्सन के अकॉर्डिंग चलती है। कभी कभी आप लोग को लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फीलिंग है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो, सब कुछ सही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं आप दोनों सच में कपल हो या नहीं हो। तो बहुत ही मिक्स्ड एंड कन्फ्यूजिंग एनर्जी है आपके और आपके पर्सन की, अगर आप मैरिड नहीं हो, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर कमिटमेंट में हो, या फिर जो भी है उसमें हो, तो क्या होने वाला है 1 साल बाद। ऑलराइट, तो हम 1 साल बाद क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 1 साल बाद जो मुझे नज़र आ रहा है, तो कुछ लोग अगर अपने पर्सन से वॉक अवे कर चुके हैं, अगर आप अपने पर्सन से मूव आउट हो चुके हैं, या फिर आने वाले वक्त में आपने सोचा है कि मूव आउट हो जाओगे, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली जो है सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इस सिचुएशन का जो आंसर है, ये बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है। कार्मिक का मतलब ये है, ना ये आपके पर्सन के फेवर में होगा, ना आपके फेवर में होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने जितने साल भी एक साथ बिताए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कितना जस्टिस किया है। 2 बार जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आता फ्रेंड्स, साथ में यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आया, इट्स अ कार्मिक इशू। ऑलराइट, तो ये ना आपके फेवर में जाएगा, ना आपके पर्सन के फेवर में जाएगा, ये डेफिनेटली
उस सिचुएशन के फेवर में जाएगा जिसने इस रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाई है। क्या आपका कर्मा सही था उस रिलेशनशिप में, क्या आप जो इस मैरिज को एंड करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पर्सन मान लीजिए इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप दोनों सही हो, क्या ये डिसीजन सही है। तो जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट होगा ना आपके और आपके इस पर्सन के सेपरेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होने वाला है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इशू के वजह से हो रहा है तो उसका भी जो आंसर आपको मिलेगा उसका भी जो आंसर आपको मिलेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होगा। मैं इसको ना पॉजिटिव बोलूँगी ना नेगेटिव बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 50-50 ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई 100% एश्योर्ड कार्ड नहीं आया, क्योंकि बॉटम से यहाँ पे आप देख सकते हो हैंगमैन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है। और एक साल बाद मैं सबके लिए भी नहीं बोल सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, मैं कोई पर्सनल आपकी रीडिंग नहीं कर रही कि मैं एग्जैक्ट आपके लिए बता पाऊँ। ऑलराइट, तो ये जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे 40% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कर्मा जो है डेफिनेटली आपके फेवर में होगा और आपकी ये विश जो है वो ग्रांट होगी। आप हो सकता है आगे जाकर सिंगल पेरेंट बनो और अपनी लाइफ को जो है अपने हिसाब से बना पाओ। अगर आपकी फैमिली इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है या फिर अगर आपकी फैमिली के साथ सही नहीं बनती है, तो ये भी आने वाले एक साल में ये बैलेंस हो जाएगी। फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आएगी, फैमिली में अगर इक्वेशन सही नहीं है वो भी आएगा। अगर ऐसा है कि आपका सेपरेशन इस कारण से हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को शायद उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, या फिर अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लोग अगर आपको समझ नहीं पा रहे हैं आप कैसे हो, तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस भी आने वाले वक्त में लोगों की ज़िंदगी में आएगा। अगर मैं आपके वर्क और करियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क और करियर में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी आने वाले एक साल में। आप अभी जैसे हो इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगी। अभी मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ठीक है, अभी सिचुएशन हो रहा है, आप किसी की बात सुन रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, बट कभी कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप काम कर रहे हो क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो आने वाले वक्त पे ना ये जो आपका मन नहीं लगना है, या फिर ये जो काम से एक इरिटेशन है कि जाना है मुझे काम, अगर आपको बोझ लग रही है अभी, ये आने वाले वक्त में डेफिनेटली बोझ नहीं लगेगी। आप इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाओगे कि जो भी कार्मिक इश्यूज रहे हैं ना उससे आप डेफिनेटली आने वाले वक्त में बाहर निकल जाओगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो आने वाले एक साल में, और अगर आप किसी जर्नी में हो अपने पर्सन के साथ, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो अगर अभी इस चीज़ में किसी तरीके का सेपरेशन चल रहा है, अगर आपका रिश्ता ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो अपने पर्सन से मूव आउट हो चुके हैं, तो ये जो भी सिचुएशन है इसका जो है कार्मिक रिवॉर्ड भी आपको आने वाले एक साल में मिलने वाला है। कार्मिक रिवॉर्ड मतलब ये होता है कि आने वाले एक साल में जो है आपके पर्सन क्या करेंगे इसका भी आंसर हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होगा। ऑलराइट, तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोज है और वो आपसे अगर अभी चले गए हैं ना, तो कार्मिकली जो भी आपके और आपके पर्सन के फेवर में सही होगा वो डेफिनेटली होने वाला है आने वाले वक्त में। ऑलराइट, तो ये अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि जो लोग मैरिड है वो सेपरेशन का वेट कर रहे हैं, डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, कोई सिंगल पेरेंट बनना चाहते हैं, या फिर आपके वर्क और करियर में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यूनिवर्स तो सबसे पहले कह रही है कि जो भी कार्मिक इशू है वो रिजॉल्व होने वाला है और उसका आउटकम जो है आपको मिलने वाला है। तो ये अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंटली अगर आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी को पसंद करते हो ऑनलाइन, कोई पर्सन है जिन्हें आप स्टॉक कर रहे हो, जिनसे आपको बात करनी है प्रेजेंट सिचुएशन में, आपको पता नहीं है कि आने वाले एक साल में, आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि आने वाले एक साल में आपके और इस पर्सन के बीच में क्या होने वाला है। तो जी हाँ, जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स ही बताएगी। तो चलिए अब हम कार्ड्स देखते हैं कि आने वाले एक साल में क्या होने वाला है। तो अब तक हमने जो सुना ये हमने प्रेजेंट सिचुएशन की बात की, चलिए अब हम देखते हैं कि आने वाले एक साल बाद क्या होने वाला है। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। ऑलराइट, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड आया है प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर में। एक और कार्ड लेंगे प्लीज। वाओ, वी हैव द एम्परर कार्ड। ऑलराइट, वाओ, और बॉटम से आया है टेम्परेंस का कार्ड। ऑलराइट, ओके, तो
आने वाले एक साल में तो मुझे सबसे पहले जो साइन और एलिमेंट नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें से है टॉरस की एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी और एरीज की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या हमें मैसेज देना चाहती है। एनर्जी तो डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बैलेंस में आ रही हैं चीज़ें। मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों की शादी हो सकती है, अगर शादी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, कास्ट के वजह से अगर आप दोनों अलग हो गए हो या फिर आप दोनों के पर्सनल रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही, तो कुछ लोगों की मैं शादी होते हुए भी देख रही हूँ। चलिए यहाँ पे फायर साइन के सारे एलिमेंट आ गए हैं, यहाँ पे एरीज है, लियो है, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फ्यूचर वाले प्रडिक्शन में यानी कि आने वाले एक साल में ये साइन और एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। We have Queen of Pentacles. All right. What else? We have the Lovers card. Oh, कुछ लोग definitely twin flame soulmate journey में हैं, but कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है ये twin flame journey ही है और आप जानना चाहते हो कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है आपको और आपके partner के साथ। Okay, we have Four of Cups. All right. We have Ace of Pentacles. ओके, वी हैव द डेथ कार्ड, ओके, वी हैव हेरोफेंट अगेन, वी हैव टू हेरोफेंट्स, वाओ, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं फ्रेंड्स, ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द सन कार्ड, वेरी नाइस फाइल वन, और बॉटम से आए हैं आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो क्या होने वाला है साइन और एलिमेंट पे मैंने जैसे बताया, यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस है, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग है, यहाँ पे मुझे वर्गो की एनर्जी भी स्ट्रांग नजर आ रही है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं और कुछ लोग के लिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी यहाँ पर है। ऑलराइट, बट यहाँ पे मुझे एयर साइन से सिर्फ जेमिनी की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी मुझे स्ट्रांग नजर आ रही है, बाकी के सारे साइन और एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं। तो क्या होने वाला है एक साल बाद, तो मैंने जैसे कि बोला था कि अगर अभी कोई इशू चल रहा है, अगर अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 60% लोग जो है अपनी ट्विन फ्लेम के साथ ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आने वाले 6 से 7 महीने में, यानी कि इस ईयर एंड तक आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में जो है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे और उसके बाद जो है आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में एक डेफिनेटली बड़ा चेंज आएगा, आपके करियर में चेंज आएगा, उनके लाइफ में चेंज आएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 60% लोगों के लिए मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 60% लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही है कि जी हाँ, आपकी शादी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। ऑलराइट, यहाँ पे दूसरा मैसेज मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपकी जिंदगी से चले गए थे, मुझे यहाँ पे 30% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वही पार्टनर कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में आने वाले हैं आपसे माफी मांगने और अपने लाइफ में एक चेंज लेकर वो आना चाहते हैं, माने कि वो पहले जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी से बाहर निकल कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं और चीज़ों को जो है सेटल करना चाहते हैं। और ये आपका टोटल आप ही का कॉल है कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। वर्क और करियर की अगर मैं बात करूँ, वर्क और करियर में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे 60% लोग ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में यानी कि आने वाले एक साल में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, या आपकी हॉबी हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है, कोई यू नो फैमिली बिजनेस हो सकती है। तो हो सकता है आप ये 9 to 5 जॉब या फिर जो भी आप जॉब करते हो उसको छोड़कर आप बिजनेस की तरफ आगे बढ़ो और उसी में आपके आगे के रास्ते जो हैं वो खुलने लग जाए। ऑलराइट, मुझे लोगों का मुझे आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि जो बैलेंस है ना, अगर अभी आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस नहीं चल रही है, अलाइन नहीं चल रही है, तो लोगों के लाइफ में बैलेंस आने वाला है। और आपको पता है जब सन का कार्ड आता है माने कि पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी। तो जी हाँ, अगर कुछ लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जी हाँ, आप उस पर्सन से भी मिलने वाले हो, उस पर्सन से आपका रीयूनियन भी हो सकता है और आगे जाकर जो है चीज़ें बहुत ही अच्छी हो सकती है। चलिए अब हम कुछ और मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। पाइल वन कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट, ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी जो है मैं बताना चाहूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी जो है ये जस्टिस का कार्ड ही है। तो आपके लिए जस्टिस है फ्रेंड्स। ऑलराइट, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, तो जी हाँ, यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है अपने पार्टनर के साथ,
टेम्पल बात यूनिवर्स जो है आपको देख रही है, आपको ब्लेस कर रही है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है अभी अपने रिश्ते को लेकर, तो यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि आप सरेंडर कर दीजिए अपने रिश्ते को। ऑल राइट, द वर्ल्ड कुछ कार्मिक साइकिल है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया था। तो अगर कोई कार्मिक साइकिल है या फिर कोई अगर ऐसी साइकिल है जो आप दोनों की जर्नी को यू नो कम्प्लीट करने में बाकी रह गई है, फिर कंप्लीशन के बहुत पास हो आप, तो वो कंप्लीट हो जाएगी आने वाले एक साल में। और डोट टू वैल्यू, तो जी हाँ, मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, तो मैंने जैसे कि बोला कि जी हाँ, कुछ लोग अपनी साइकिल को जो है कंप्लीट करोगे और फिर कुछ लोग बिजनेस में भी जा सकते हो अपने वर्क को छोड़कर, तो जी हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास जो है अबंडेंस भी है आने वाले वक्त में जो आने वाली है। ऑल राइट, तो पॉइंट वन ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल टू, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फ्रेंडशिप का कार्ड या फिर ये पिंक कलर, तो चलिए देखते हैं आपका प्रेजेंट सिचुएशन सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे कि आने वाले एक साल में क्या होने वाला है बदलाव। अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ फिर से फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स जो हैं अवेलेबल हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं और चैनल के पेज पे भी अवेलेबल है। ऑल राइट, इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में पेज का नाम भी सेम है, हीलर ऑफ द एजेस 1111। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। कार्ड आया है आपके लिए वर्ल्ड एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। ऑलराइट, पॉइंट टू वी हैव द एम्परर कार्ड। ऑलराइट, अब हम टैरो से कुछ कार्ड्स देखेंगे फिर रीडिंग को करेंगे हम स्टार्ट। ऑलराइट, वर्को की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ओके, वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव टावर एंड टू, वी हैव ओके दो कार्ड्स आ गए हैं, वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टू ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे जो हैं जो पाइल वन को देखने के बाद पाइल टू की भी रीडिंग देखने आए हैं, कि कुछ यहाँ से भी पता चले। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिन्होंने पाइल वन देखी है आप अब पाइल टू भी देख रहे हो, कि यहाँ पे क्या है जो मेरी लाइफ में अगर रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। अब दोनों ही रीडिंग देख रहे हो, एक शायद आप अपने लिए देख रहे हो, एक आप अपने पार्टनर के लिए भी देख रहे हो। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, हो काफ़ी हैवी एनर्जी है पाइल टू, वी हैव स्टार, ऑलराइट, वी हैव एस ऑफ वांड्स, we have four of pentacles pile two, we have page of swords, all right। तो मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करती हूँ, उससे पहले मैं साइन और एलिमेंट बताऊंगी। और बॉटम से आया है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो साइन एलिमेंट है उसमें से मुझे स्ट्रॉन्ग में नजर आया है एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज की सजिटेरियस है, वर्गो की एनर्जी है, एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी है जिसमें एक्वेरियस की भी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लोग भी हैं यहाँ पे, मुझे वाटर साइन दिख रहा है बट बहुत कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एनीवे सिचुएशन के ऊपर हम रीडिंग देख रहे हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखिए मुझे प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन के साथ, अगर आप अपने पर्सनल रिश्ते के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो जी हाँ आपके और आपके पर्सन के बीच में एक टाव मूवमेंट आया है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में। आई मीन ये प्रेजेंट सिचुएशन में हो चुका है ऑलरेडी, आपने इन दोनों को झेल लिया है या फिर करंट सिचुएशन में झेल रहे हो, और कहीं ना कहीं जो है आप इसमें एक स्टेबिलिटी चाहते हो।
आप चाहते हो कि आपके और आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है ये जल्दी से खत्म हो जाए, ये टॉप मूवमेंट जिस वजह से भी आया है ना, इससे आप बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पेनफुल रही है। अगर ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब अभी जो आप देख रहे हो, अगर ये करंटली नहीं हुआ है, अगर पास्ट में हो चुका है, तो अब आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप उस पर्सन से रीयूनियन चाहते हो। मुझे यहाँ पे 30-40% लोगों के लिए लग रहा है कि आपका जो भी कारण हो अपने पर्सन के साथ, अगर आपकी सेपरेशन चल रही है क्योंकि कोई टर्म मूवमेंट आया था, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसको लेकर बिल्कुल ना खुश हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 और 9 की एक साथ एनर्जी आई है, तो अगर आप कहीं ना कहीं ना खुश हो और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो। सकता है जब ये टर्म मूवमेंट आया तो मुझे बहुत लोग ऐसे लग रहे जो अपनी दिल की बात सही से नहीं कह पाए, आपके मन में क्या था और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर सेपरेशन हो गया, वो कुछ गलत समझ के आगे बढ़ गए, आपने भी अपना कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं रखा था, तो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी। मैं अगर पास्ट से प्रेजेंट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस वक्त जो है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप उस वक्त नहीं बोल पाए थे, उस वक्त से अभी की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब आपको लिटरली इस पर्सन से बात करनी है और चीज़ों को समझानी है। मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को लेकर कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपके लाइफ में चॉइसेस रहे हैं और आप कंफ्यूज कर गए हो क्योंकि आपने जिसे चूज़ किया है वो वैसे नहीं थे जैसा कि आपने सोचा था, और जिसको आपने जाने को बोला, लेट गो कर दिया, अब आप उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि जिसको आपने ना बोल दिया वो चले गए और अब आपको उनकी याद आ रही है, और प्रेजेंट में जो पर्सन है उनको लेकर आप कन्फ्यूजन में हो। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से अगर सेपरेटेड हो तो आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसी कुछ पर्सनल लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, स्टॉकिंग चल रही है, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं अपने बातों को कम्युनिकेट करना। वर्क और करियर को लेकर अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे लग रहा है वर्क और करियर स्लो पेस में आगे बढ़ा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो अभी भी कोई नई जॉब के वेट में है, तलाश में है, क्योंकि अगर कोई लोग जॉब कर रहे हो फिर भी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि जी हाँ आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन है। कुछ लोगों के लिए, मुझे यार 20-30% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे, तो 20-30% लोग अगर ऐसा कुछ वेट कर रहे थे तो आपके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऑलराइट, और मुझे ओवरऑल एनर्जी जो इस फाइल की, इस डेक की लग रही है वो ये लग रहा है मुझे कि अगर आप सेपरेशन में ऑलरेडी हो तो अभी आप फिलहाल हर्मिट मोड में हो। हर्मिट मोड माने कि आप आइसोलेटेड हो, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, आप अपने आप में रहना चाहते हो, हर एक को आप एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते कि आप चुप क्यों हो या फिर आप ऐसे क्यों हो या फिर आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आप आंसरेबल नहीं होना चाहते हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन फ्रेंड। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है क्या बदलाव होने वाले हैं। ऑलराइट, एक साल बाद ये एनर्जी क्या चेंज होने वाली है, क्या बदलाव होने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जो अपने पर्सन से ये कम्युनिकेशन करना चाहते हो ना, ये डेफिनेटली ओपन होने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लग रही है पाइल टू की कुछ लोग जो है अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हो। यहाँ पे हो सकता है आप या आपके पार्टनर स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है और स्टार सीड की लाइफ की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बहुत टफ रहते हैं, पूरी जिंदगी की एग्जाम लगती है, पर धीरे धीरे जब आपके लाइफ में ये सिचुएशंस आते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा ना, फिर जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी, फिर आपको ये सेपरेशन, ये यू नो पेन, ये सब आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, हमें यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। वाओ 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 वाओ, वेरी नाइस, वी हैव द चैरियट कार्ड। ऑलराइट, वाओ, आई टोल्ड यू कि चेंज डेफिनेटली होगा। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। वाओ, वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। तो यहाँ पे साइन और एलिमेंट पे मुझे कैंसर की एनर्जी लग रही है, मुझे एक्वेरियस की भी एनर्जी लग रही है और मुझे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। चलिए अब हम बाकी कार्ड्स देखते हैं टैरो से और फिर बताते हैं फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है। वी हैव द लवर्स कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका सेपरेशन हुआ है प्रेजेंट सिचुएशन में अपने ट्विन फ्लेम के साथ,
और कहीं ना कहीं इसका कारण ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे आपको लेकर, या फिर आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पाए, तो आपकी रीयूनियन एक साल में डेफिनेटली होने वाली है। मैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ देख रही हूँ, तो एक साल बाद डेफिनेटली आप दोनों कनेक्शन में दिख रहे हो, काफ़ी अच्छे कनेक्शन में दिख रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों की इंटेलिजेंस लेवल जो है, आप दोनों का जो नॉलेज है, विजडम है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योर होने वाले हैं। अगर आप या आपके पार्टनर में से कोई एक जो है अभी इमैच्योर एनर्जी में था, तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट होने वाला है एक मैच्योर एनर्जी में। वाओ, मैंने बोला ही, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है ऑफकोर्स। तो आज से एक साल बाद डेफिनेटली किस्मत का दरवाजा भी आपके लिए खुलने वाला है, साथ में वर्ल्ड का भी है। तो आप दोनों के साइकिल फ्रेंड्स जो है ना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे 40% लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टावर आया था आपके और आपके पर्सन के बीच में आप अलग हो गए हो, या फिर आपको लगता है डेस्टिनी ने अलग कर दिया है, तो आज से एक साल बाद यानी कि अब जुलाई 2023 में डेफिनेटली आपका ये जो टफ साइकिल रहा है, ये सेपरेशन का साइकिल रहा है, कि कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा कुछ लोगों के लिए और पहले ही हो जाएगा, और आप एक साथ ही रहोगे, क्योंकि मेजर अरकाना से 3-3 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे हो लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, किस्मत आपके फेवर में जाने वाली है। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, सारे कार्ड्स खेल गए, जस्ट अ सेकंड। वाओ, वेरी नाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पायल टू, मैं शफल नहीं कर पा रही, पाइल टू, हैव सम पेशेंस, मैं बताऊंगी आपको। कार्ड्स जो है वो डांस कर रहे हैं, सारे गिर गए। ऑल राइट, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव हर्मिट, वी हैव हाई प्रीस्टेस अगेन, बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कुछ लोग यहाँ पे तो, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, वेरी नाइस, ओके, बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे जो साइन और एलिमेंट नजर आ रहा है, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं कुछ लोग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोग। बाकी आप, अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मैच की है, तो अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि एक साल बाद क्या होगा। तो जी हाँ, एक साल बाद डेफिनेटली मुझे लग रहा है किस्मत आपको फेवर करने वाली है। अभी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सेपरेशन चल रहा है आपका, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि ना ना, अभी साइकिल एंड नहीं हुआ है, अभी बाकी है, ट्रेलर था ये। तो आप दोनों की साइकिल नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगी, आप दोनों का रीयूनियन होगा, उसके बाद जो भी यूनिवर्स चाहती है वैसा ही होगा रीयूनियन। तो यहाँ पे मुझे 40-50% लोगों का लग रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा, फिर जाके यूनिवर्स आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाली है। तो अगर अभी आप हर्मिट मोड में हो, या फिर अगर अभी आप फूल की एनर्जी में हो, तो आगे जाकर ये चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगी और आप दोनों मिलने वाले हो। अगर वर्क और करियर में आपको अब तक ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, तो आज से एक साल बाद मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए वर्क और करियर में कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, देश के बाहर जा सकते हैं, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, दूसरी सिटी में जा सकते हैं। वर्क और करियर में भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है हाई प्रीस्टेस के कार्ड को देखकर कि आपकी नॉलेज जो है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है। आप बहुत सही चीज़ों को समझ जाओगे। अगर अभी कुछ चीज़ों को लेकर, अगर अभी आपके काम को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि काम करने का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो नहीं समझ में आ रहा, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका वर्क इतना स्ट्रांग नहीं है अभी, अगर अभी आपने अपने आप को सेट नहीं किया है अभी तक जॉब में, तो आने वाले एक साल में आप बिल्कुल सेटल हो जाओगे, ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से वैनिश हो जाएगी। अगर कोई बोझ है ना फ्रेंड्स, जो आप अपने लाइफ में लेकर चल रहे हो, बोझ माने कि पास्ट का अगर कोई लगेज है जो आप अपने साथ जबरदस्ती ले के जा रहे हो, यानी कि कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर कोई चीज़ हो सकती है जो आप अपने साथ ले लेके चल रहे हो, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं ना, तो यूनिवर्स पे आपको ये कहना चाहती है कि पास्ट के बैगेज को छोड़ के आगे फ्यूचर की तरफ बढ़े। तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि एक साल बाद क्या होगा। तो यूनिवर्स डेफिनेटली यही कहना चाहती है
कि अगर आपको आगे की खुशनुमा जिंदगी चाहिए तो पास्ट के बैगेजेस से जो है वो आप बाहर निकलने की कोशिश करें। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप खुद हीलर हो, मेंटोर हो, गुरु हो सकते हो। आप लोग के लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही है यूनिवर्स के तरफ से। वाओ, वी हैव डोर टू स्पिरिट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड वी हैव यिंग एंड यांग। जी हाँ, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड था तो लग ही रहा था आपके और आपके पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो है आप दोनों की जो है एनर्जीज भी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के लाइफ में जो है वो भी आने वाले एक साल में बैलेंस होने वाली है। अब हम देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है पाइल नंबर टू। फिलहाल यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपके लिए यू नो हैप्पीनेस भी है, स्पिरिट्स भी आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रही है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बस आप अपने आप को लूज़ मत करना, अपने टेंपर को लूज़ मत करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, बाकी सब तो यूनिवर्स के हाथ में है। पहला अफर्मेशन आपके लिए आया है सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनिवर्स भी आपको यही कह रही कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। ग्रोथ आने वाला है आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सपैंड करते हुए देखोगे। मैंने जैसे कि बोला वर्क और करियर में, अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साल बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। पीस, वाओ, ये कार्ड मैंने बहुत दिन बाद देखा। तो हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली जो है पीस आने वाला है। वन मोर कार्ड प्लीज, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ पाइल टू। ओके, सेल्फ एस्टीम का कार्ड आया है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है ना फ्रेंड्स कि अपने आप की कदर करें, ठीक है। आपको क्या गुण मिले हैं, आप किस कारण से यहाँ पे जन्म लिए हो, क्या पर्पस हो सकता है, क्या कारण है जो आपको, आप में क्या यूनिकनेस है, उसे आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आपके अंदर, सबके अंदर एक यूनिकनेस होती है, कुछ आपके अंदर, कुछ मेरे अंदर, और वही आगे जाकर हमारी ज़िंदगी में काम आता है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ यूनिकनेस है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, आगे आप ही के काम आएगी। और राइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।